नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं चैनल। वक्त हो गया है खबरों का। अभिनेत्री रवीना टंडन के नाम से बनाया गया फर्जी ट्विटर अकाउंट बोट है। इस ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल कर मुंबई पुलिस आयुक्त के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और तस्वीरें पोस्ट करने के लिए इस अकाउंट को बनाया गया था। अभिनेत्री की शिकायत के बाद जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है। जांच में यह भी सामने आया है कि ऐसे ही 1.5 लाख फर्जी बोट अकाउंट मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए तैयार किए गए थे। पुलिस के मुताबिक बोट अकाउंट वो होते हैं जिन्हें तकनीकी की मदद से एक साथ हजारों की संख्या में बनाया जाता है। किसी इंसान के लिए इतने अकाउंट का इस्तेमाल करना संभव नहीं होता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर बोट्स के जरिए चलाया जाता है और यह अपने आप कुछ मिनटों में हजारों ट्वीट, रीट्वीट, कमेंट करते हैं। बोट एक सॉफ्टवेयर है जो ट्विटर अकाउंट को ट्विटर API के जरिए चलाता है। कुछ लोग इस तकनीकी का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और पैसे लेकर खास विषय पर कुछ मिनट में हजारों ट्वीट करते हैं। ऐसे 50 लाख से ज्यादा ट्वीट कर हर महीने लगातार लोग पैसे भी कमा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले भी इस तकनीकी का काफी दुरुपयोग किया गया है और मुख्यमंत्री कार्यालय आदित्य ठाकरे, संजय राउत, परमवीर सिंह को निशाना साधते हुए हजारों ट्वीट किए गए। इसके अलावा बेबी पेंगुइन जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, परमवीर सिंह स्कैम, परमवीर सिंह रिजाइन, TRP स्कैम, अरेस्ट परमवीर जैसे दर्जनों हैशटैग ट्रेंड करने के लिए बोट अकाउंट के इस्तेमाल किए गए। साइबर और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने इस बाबत पुलिस को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक इस साल जून से अक्टूबर के बीच महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ ट्रेंड के लिए बोट अकाउंट और हैशटैग का इस्तेमाल लगातार किया गया है। साइबर विशेषज्ञों को ऐसे 1.5 लाख अकाउंट के बारे में पता भी चला है जिनमें से 80% संदेहास्पद है, जिनका इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए हुआ है। इनमें से कई अकाउंट विदेश से भी लगातार चलाए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इसके लिए कई जानी मानी हस्तियों के नामों का चोरी छिपे या उनकी सहमति से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी भी पूरे मामले के तहकीकात में जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये अकाउंट किस तरह से चलाया जा रहा है और कौन चला रहा है। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए HM न्यूज़ के साथ और यदि आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।